गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थर्ड यूनिट एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया था। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमने फिनिश किया था और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन एंड इंट्रोडक्शन कर ली थी। टुडे वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे नेचर में बहुत वाइडली फाउंड किए जाते हैं। जो सिट्रिक एसिड है वो हमारे सेल्स में इन ब्लड सीरम, यूराइन और सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाता है। वेनेगर एक हमारा एसिटिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग ऑडोर ऑफ रेंसिड बटर इज ड्यू टू बिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारा मिल्क में पाया जाता है। ग्लिसरीड्स आर एस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द फर्स्ट थ्री एलिफेटिक एसिड जो होते हैं वो हमारे कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। द नेक्स्ट सिक्स मेंबर्स आर ओनली ऑयली लिक्विड्स, लेकिन जो हायर मेंबर्स होते हैं वो कलरलेस ऑडरलेस बैक्सी सॉलिड्स होते हैं। सो फिजिकली हमारे लिक्विड्स में होते हैं एसिड्स और सॉलिड्स में भी होते हैं और बहुत वाइडली फाउंड होते हैं हमारे नेचर में सॉल्युबिलिटी। जो लोअर मेंबर्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली अप टू C4 वो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे उनके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा है उसका साइज इंक्रीज होगा। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजिस विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एक्स्ट्रा में। जो बेंजोइक एसिड है वो सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में और उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एक्स्ट्रा। इनका जो चांस है इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि हायर सॉल्युबिलिटी ऑफ द लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर को एक्सप्लेन करता है। जैसा हमारा फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड वो लिक्विड है वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं पानी के साथ, क्योंकि वो पानी के साथ कौन सी बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास करता जाएगा द सॉल्युबिलिटी इन वाटर उनकी डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इफेक्ट ऑफ द नॉन पोलर लॉन्ग कार्बन चेन विच रिजल्ट्स इन वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हायर मेंबर्स इनफेक्ट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। डाइमर। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज डाइमर्स इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स एंड अदर सॉल्वेंट्स इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन नेग्लिजिबल। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूनाइटेड टू ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड टू फॉर्म अ डाइमर। डाइमर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस का कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करें, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं टू फॉर्म अ वन मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं डाइमर। नेक्स्ट इज समर। जो लोअर फैटी एसिड्स होते हैं हैव शार्प इरिटेटिंग अनप्लेजेंट ऑडोर वायर हायर मेंबर्स आर ऑडोरलेस। जितने भी लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड के मेंबर्स होते हैं उनकी बहुत इरिटेशन वाली या अनप्लेजेंट स्मेल होती है, लेकिन जो हायर मेंबर्स होते हैं उनकी स्मेल ऑडोरलेस होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो शोज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहली रिएक्शन ड्यू टू द हाइड्रोजन एटॉमिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो उनके एसिडिक नेचर का पार्ट होता है। रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। सो फर्स्ट इज रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटॉमिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सबसे पहले इनका एसिडिक नेचर किसकी वजह से होता है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में आयनोनाइज्ड होकर क्या देते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन एस सच। अगर हम एसिटिक एसिड को पानी में डिजॉल्व करें हमें मिलेगा एसिटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है खुद ब खुद, क्योंकि वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, रेजोनेंस। और इसीलिए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज शोन। तो इनका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ऊपर क्या आएगा कार्बोक्सिलेट आयन हाइड्रोनियम आयन, नीचे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka इज कॉल्ड द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। इनकी जो आयनाइजेशन होती है वो डिपेंड करती है कि स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इन सॉल्यूशन कैसी है। अगर तो वो एसिड स्ट्रांग हुआ तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगी और एसिड वीक हुआ तो आयनाइजेशन कम होगी। द एसिडिटी किसी भी एसिड की एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ pKa। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka लोअर द वैल्यू ऑफ pKa एंड ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड।
फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड की वैल्यू, एसिटिक एसिड की वैल्यू, इथनोइक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड की वैल्यूज हमने दे रखी है. सो विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे.